तो गाइस ये हमारे पास 3 लीटर का गीजर है, इसका हम आज हेलमेट चेंज करेंगे। इसकी हेलमेट ख़राब है तो आपको लाइव दिखाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे चेंज होता है। तो चलो दोस्तों इसको पहले खोल लेते हैं। इसको पहले बाहर निकाल लेंगे हम, इधर से पकड़ के। तो ये दोस्तों लुक लो कितना सो रहा है इसके अंदर, ये देखिए। तो दोस्तों ये हमने साफ कर लिया है, देखो कितना साफ हो गया है, इसमें से सारा कचरा पानी की मदद से हमने साफ कर लिया है। ओके तो दोस्तों ये हमारा बाहर आ गया है, ये हेलमेट है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना सोरा जमा हुआ है, पूरा सोरा जमा हुआ है, ये सारा फट गया है यहाँ से, ये देखिए यहाँ फटा हुआ है, यहाँ पर फटा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहाँ फट गया है पूरा, हेलमेट पूरा ख़राब है। तो दोस्तों हम इसको साफ कर लेंगे, ये सारा साफ कर लेंगे, इसमें तार से साफ करेंगे थोड़ा पानी का प्रेशर भी, ये ब्लॉकेज हो गया है देख रहे होंगे आप, ये भी ब्लॉकेज हो गया है पाइप। तो दोस्तों ये अपने पास स्टील वायर है, इसकी मदद से हम इसका पाइप साफ करेंगे जो कि क्लियर हो जाएगा। तो इसकी पाइप किस प्रकार साफ करते हैं दोस्तों, कि हम इसमें स्टील पाएंगे बता दें, इस प्रकार साफ कर देंगे दोस्तों। ये दूसरा वाला भी ये देखें कुछ ऐसे, यहाँ पे जो होल होता है ये देख लेंगे आप, ये वाला ब्लॉक हो जाता है, इसको खोल देखें, ये देखें दोस्तों होल ये देख सकते हैं आप, इसका खुल गया है। अब इसमें पाइप डाल के दूसरी तरफ से भी अपना खुल गया दोस्तों, ऐसे पानी से पानी डालेंगे दोस्तों। आप देखते होंगे यहाँ लिखा हुआ, अब देख लीजिए आप पानी फर्स्ट क्लास निकल रहा है, अब यहाँ डालेंगे पानी इसमें भी, ये देखें यहाँ से पानी निकल रहा है अपना, ये देख पा रही है, तो ये अपना ओके दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हो पहले में और अब में कितना फर्क है, कितना साफ हो गया है अपना ये। तो इसको हम फिट करेंगे दोस्तों, चलो हम इसको फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अपना एलिमेंट है जी, तो अपना 5 इंच का एलिमेंट है जो कि आपको 400 रुपये तक का पड़ेगा, तो इसके हम इसके लिए लेके आए हैं, इसमें लगाएंगे जो यहाँ बैठ जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों इसको हम फिट कर लेते हैं। अब तो ये कुछ ऐसे, तो दोस्तों इसको टाइट कर लेते हैं कुछ प्रकार से, सबको बाय बाय। Thank you.
इतना टाइट हो चुका है दोस्तों, तो इसको अब फिट करेंगे। चलो अच्छा, तो इसकी कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। फिर तो ये अपना थर्मोस्टेट का वायर है, मेन वायर है जो सीधा थर्मोस्टेट में जाएगा, ये वाली वायर सीधी थर्मोस्टेट में जाएगी। तो ये अपनी थर्मोस्टेट में वायर चली गई। अपना ये न्यूट्रल है, ये अपना एलिमेंट से वायर जा रहा है जो सीधा थर्मोस्टेट में जाएगा। तो ये अपना थर्मोस्टेट से एलिमेंट में आ गया। अब ये अपना न्यूट्रल है और ये अपना इंडिकेटर की वायर है जो कि इसके साथ जुड़ के में आ जाएगी। तो ये अपनी वायरिंग कंप्लीट है दोस्तों, तब इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये अपना ओके है दोस्तों, तो ये अपना कंप्लीट है, इसको लगा देंगे हम वापस ले जाके।